हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सनातन कुमार। आप सभी को हमारी इस सनातन कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज हम इस फ़ैन के बारे में, कुछ ऐसा फोल्ड के बारे में आप लोगों को आज बताना चाहते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिए। अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये जो फ़ैन है ये वर्षा कंपनी का जो फ़ैन है, तो ये करीबन आज से 20 साल पुराना फ़ैन है ये मॉडल। तो शायद ये मॉडल अभी आता नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को हम बताएंगे। तो देख सकते हैं, इस फ़ैन का मॉडल कुछ इस तरह से रहता है और इसका पत्ती भी जो है वो भी बहुत ही मजबूत वाला टीना वाला पत्ती रहता है। तो इसमें फोल्ड क्या है, चलिए अभी हम बताते हैं। तो इस फैन में जो प्रॉब्लम है, तो जब हम लाइन पर पहले दे रहे थे, लाइन पर लगाने के बाद जो इसका रॉड रहता है या सपट, जो सेफ्ट भी बोलते हैं, तो वो जो कि लाइन में देने पर एक तरफ खींच के उठा लेता है, इस तरह खट करके आवाज़ करता, खींच के उठा लेता है। तो पंखा जो कि नहीं चल पा रहा था। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, आप सबको पता ही है इसका प्रॉब्लम क्या है। और आप लोग सॉल्व करते हैं फिर भी कुछ दिन के बाद जो कि ख़राब हो जाता है, जो सक्सेस नहीं होता। तो इसको आपको करना क्या है, तो देख सकते हैं इसको जो कि इसको हम खोल के पूरा कम्प्लीट खोल चुके हैं। इसका सेफ्ट भी हम निकाल दिए जो कि रोटर के साथ लगा हुआ रहता है। ये रहा मेरा रोटर और ये देख सकते हैं सेफ्ट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, देख सकते हैं एक तरफ जो कि घिसा के एकदम ख़त्म हो चुका है रॉड, यहाँ जो कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पूरा गड्ढा हो चुका है। ये मेरा यहाँ नाखून भी अटक जा रहा है, इतना ज़्यादा यहाँ गड्ढा हो गया है। तो बहुत कोई कि इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं, तो वो लोग करते क्या है, बहुत कोई बूस्ट चेंज कर देते हैं। बूस्ट चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत कोई होता है कि इस सेपट को जगह यहाँ पर रेती से या किसी भी चीज़ जिसको इसको घिस के जो कि समान कर देते हैं, फिर लगा देते हैं, जो कि जो कुछ दिन तक चलता है, फिर ये नहीं चल पाता है। तो इसको आपको करना क्या है, तो इस फैन का जो कि सॉकेट इसको खोल लेना है इसी तरह रोटर के साथ। और आपको किसी भी शॉप में, मतलब जहां से आप तार खरीदते हैं या सेफ्ट खरीदते हैं, बूस्ट खरीदते हैं, वहाँ पर आपको जाना है और इसका जो कि सेफ्ट आपको लेके आना है। इसका सेफ्ट लेके आना है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं ये सेम टू सेम उसी फ़ैन का सेफ्ट है जो कि मार्केट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि फ़ैन अभी भी चल रहा है, सबका रिपेयरिंग हो रहा है, चल रहा है, इसलिए कंपनी जो कि इसका सपोर्ट अभी तक चल रहा है, इसका भी मतलब सेल चल रहा है प्रत्येक चीज़ का, जो कि इसका फ़ैन का ये मॉडल बंद हो चुका है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एकदम गारंटी इसमें सेफ्ट इसको चेंज करना ही पड़ेगा, उससे छड़ा कोई इसका उपाय नहीं है। अगर आप घिस घास के इसको लगा देते हैं तो कुछ दिन चलता है, फिर ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहते थे कि इस वीडियो में ही कि आप लोग घिस घास के ना लगाएं। आप पैसा भी पार्टी से ज़्यादा लीजिए, लेकिन काम जो कि ओरिजिनल वाला कीजिए, आपका भी नाम होगा। क्योंकि डुप्लीकेट काम कीजिएगा, कुछ दिन चलेगा, आपको भी ख़राब लगेगा, आपका भी मन में डाउट रहेगा कि ये पंखा कुछ दिन के बाद बंद ना हो जाए। तो आपको करना क्या है, ये सब जो सारा चीज़ है इसको आपको खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा गड्ढा जैसा है, यहाँ पर आपको मिट्टी वाला तेल यानी करासिन तेल, मिट्टी का तेल यहाँ डाल देना है। डालने के बाद 2-4 मिनट इसको भींगने देना है, उसके बाद आप हथौड़ा से इसको ठोक के निकाल लीजिए, ठीक है। जो कि इसका मूविंग ऑलरेडी ख़राबी है और 20 साल जो हो गया तो इसका मूविंग ऑलरेडी ख़राब हो जाता है, 4-5 साल के बाद भी इसका मूविंग ख़राब हो जाता है। तो आपको करना क्या है, ये पुराना वाला सेफ्ट इधर से आप ठोक के इसको निकाल दीजिए, हाँ। और जो कि नया वाला सेफ्ट आप उधर से मत ठोकिए, जो कि इसका सामने पोजिशन है, इधर से सेफ्ट को मत ठोक के लगा दीजिए, क्योंकि इधर ठोक दीजिएगा तो फिर इसका मुँह जो कि थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, इसका बूस्ट जो कि अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसका मूविंग ख़राब है तो हम इधर से भी ठोक देंगे, अगर थोड़ा सा भी इधर चपड़ा चुपड़ी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर से हम प्लेन व्लेन करके किस तरह लगा देंगे, क्योंकि मेरा बूस यहाँ पर चलने वाला है। कि यहाँ अगर यहाँ इधर से ठोक देते तो इसका बूस जो कि अंदर नहीं जाएगा। तो इस सेफ्ट के साथ आपको जो कि बूस भी दो लाना है, जो 882 नंबर का बूस होगा उसको भी आपको 2 सेट लाना है। तो आपको काम अच्छा से करना है, क्योंकि वो वाला चीज़ को घिस घास के लगा देने से वो फैन जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसको आपको चेंज कर देना पूरा सेट, और जो कि काम अच्छा कीजिए और चलेगा भी फ़ैन अच्छा। तो इस वीडियो में हम यही बताना चाहते थे आप लोगों को कि ये काम जो कि बहुत ही अच्छा होगा, इसी से ऐसा ही कीजिए और जैसा हम बताए इसी तरह फॉलो कीजिए। अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।